हेलो स्टूडेंट्स डाउट हट चैनल में आपका स्वागत है आज हम करेंगे प्रश्न संख्या पाँच से तीसरा भाग है टेंजेंट थीटा बटे एक माइनस कोट थीटा जमा कोट थीटा बटे एक माइनस टेंजेंट थीटा बराबर होगा एक जमा सिकेंड थीटा गुणा को सिकेंड थीटा लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे टेंजेंट थीटा बटे एक माइनस कोट थीटा जमा कोट थीटा बटे एक घटा टेंजेंट थीटा टेंजेंट को लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे एक माइनस कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा जमा कोट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे एक घटा टेंजेंट थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा ऊपर है साइन थीटा बटे थीटा नीचे लघुत्तम लेंगे लघुत्तम आएगा साइन थीटा भाग देंगे इसको साइन थीटा आएगा खटा साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे एक एक की गुणा थीटा से थीटा जमा ऊपर है थीटा बटे साइन थीटा बटे नीचे लघुत्तम आएगा कोस थीटा, कोस थीटा घटा साइन थीटा साइन थीटा बटे थीटा ये बटे में है गुनाहों के पलट जाएगा साइन थीटा बटे साइन थीटा घटा घटा है यहाँ पर कोस थीटा जमा कोस थीटा बटे साइन थीटा ये पलट जाएगा गुणा हो जाएगा तो कोस थीटा बटे थीटा माइनस थीटा अब हमारे पास यहाँ पर है थीटा माइनस थीटा यहाँ थीटा माइनस थीटा माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर हम इधर रहेगा थीटा बटे गुना गुणा थीटा बटे थीटा माइनस थीटा यहाँ माइनस कॉमन लेंगे ऊपर हो जाएगा कोस थीटा इधर हो जाएगा पटे बटे थीटा गुना कोस थीटा बटे नीचे माइनस को मन लेने पर ये निशान बदल जाएगा ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा अब लघुत्तम लेंगे इस पूरी संख्या से इसको भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ साइन थीटा और ऊपर भी है साइन थीटा दो बार तो ये हो जाएगा साइन थीटा का घन क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन का वर्ग है एक ये हो जाएगा ये इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से घटा इससे इसको भाग देंगे बचेगा कोस थीटा, कोस थीटा की गुणा थीटा के वर्ग से तो कोस थीटा का घन हो जाएगा अब सूत्र लगाएंगे ए का घन घटा बी का घन बराबर ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा घटा कोस्थीटा ए का वर्ग का काग जमा बी का वर्ग थीटा का वर्ग जमा ए बी साइन थीटा गुणा थीटा बटे अब यहाँ पर साइन थीटा घटा थीटा से ये कट जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा एक इसको अलग अलग करेंगे एक बटे साइन थीटा कोस थीटा जमा थीता, कोस थीता साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पर हमने इसको अलग अलग लिख लिया इसको काट देंगे ये हो जाएगा एक बटा साइन थीटा थीटा जमा एक यहाँ से एक बटा साइन थीटा हो जाएगा को सिकेंट थीटा एक बटा कोस थीटा हो जाएगा सिकेंट थीटा जमा एक और यही हमारी राइट हैंड साइड अगला पार्ट करते हैं एक जमा सिकेंट ए बटे सिकेंट ए बराबर साइन ए का वर्ग बटे ए घटा कोस ए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले चलते हैं एक जमा सिकेंट ए बटे सिकेंट ए एक जमा सिकेंट ए को हम लिख सकते हैं एक बटा कोस ए बटे नीचे सिकेंट ए इसको भी लिख ले लेंगे हम एक बटा कोस ए ऊपर लघुत्तम लेंगे लघुत्तम आएगा कोसे भाग देंगे कोसे को एक से कोसे पे जाएगा एक से गुना करेंगे कोस ए गुना एक कोसे जमा कोसे को कोसे से भाग देंगे एक आएगा एक के गुणा एक से एक बटे एक बटे कोसे ऊपर हमारे पास है एक जमा कोस ए बटे कोसे ये एक बटे कोस ऊपर चला जाएगा कोस ए कोस ए से कोस कट जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से एक जमा कोस ए। अब हम ऐसा करते हैं जो हमारा राइट हैंड साइड है दाना पक्ष उसको लेके चलते हैं उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हल कर लेते हैं बराबर दे रखे साइन ए का वर्ग बटे एक घटा कोस ए साइन ए का वर्ग इसको हम ले सकते हैं एक घटा कोस ए का वर्ग नीचे है एक घटा कोस ए क्योंकि कोस ए का वर्ग और जमा साइन ए का वर्ग बराबर होता है एक तो यहाँ से साइन ए का वर्ग हो जाएगा एक घटा कोस ए का वर्ग यहाँ से सूत्र बन जाएगा ए कावर घटा बी का वर्ग बराबर होगा ए जमा बी गुणा ए घटा बी एक जमा कोस ए एक घटा कोस ए बटे एक घटा कोस ए सूत्र लगाया हमने यहाँ पर एकावर घटा बी का वर्ग बराबर होता है ए जमा बी णा ए घटा भी अब यहाँ से देखिए इससे ये कट जाएगा ऊपर बचेगा एक जमा कोस ए हमारा जो बाया पक्ष था वो हमने छोड़ा था एक जमा कोशे के बराबर और हमारा दाया पक्ष भी आ गया एक जमा कोशे के बराबर तो यहाँ से दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर